नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है अपनी 16वीं। संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं के साथ खेलना। तो देखो, संख्याओं के साथ खेलने से संबंधित इसमें क्वेश्चन देखो आप 16.1 में कैस किस प्रकार के दिए हुए हैं। इसमें अपने को दिमाग लगाना है, खुद सोचना है और उसी से क्वेश्चन आपको सारा दे रखा है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बस खेल खेल में ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या क्या दिया, संख्याओं में खेलना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3a+25 और उनका योग करो कि क्या आए यहाँ पे b और यहाँ पे क्या आए, 2 आए b 2। अब देखो 5 के अंदर क्या जोड़ें कि 2 आता है, 5 में 1 जोड़ोगे। देखो 5 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। 2 जोड़ोगे तो 7, 3 जोड़ोगे तो 8, 4 जोड़ोगे तो 9, 5 जोड़ोगे तो 10 की 0 आएगी। फिर इसमें इसी प्रकार 6 जोड़ोगे तो 11 का 1 आएगा और 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12 का 2 आएगा। 7 जोड़ोगे ना तो क्या आएगा, 12 का 2। तो अपने को ए की जगह क्या मान लिया, 7 आ रहा है, 7 5 12 का 2 और 1 हंसल बच गई, और 3 2 5 और 1 बी की जगह क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर बी की जगह 6 आ रहा है। इस प्रकार देखो, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 4a 9 8 जोड़ते हो तो यहाँ पे क्या आता है, CB 3। अब वही बात सेम है कि 8 में अपने क्या क्या जोड़े कि 3 आई, 1 से शुरू हो जाओ, 8 1 9, 2 जोड़ोगे तो 10 की 0, 3 जोड़ोगे 11 का 1, 4 जोड़ोगे तो 12 का 2, 5 जोड़ोगे तो 13 का क्या आएगा, 3। ए की जगह क्या आए, 5 कि 8 5 13 का 3, 1 हंसल बची, 9 4 13 और 1 कितना आगे, 14। तो बी की जगह क्या है, 4 और सी की जगह क्या आया, 1 आया, सी की जगह क्या आया, 1 आया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1a को गुणा करो a से और आए भी क्या, 9a, आए भी क्या, 9a। अब देखो किसको उसकी से गुणा करने पर वही संख्या आती है, सभी संख्याएं 1 से 9 तक लिख लो कि 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है, लेकिन 1 लिखेंगे तो 11 1 यहाँ पे फिर 9 नहीं आता, गलत हो गया। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, लेकिन अपने को तो वही संख्या चाहिए, ये भी नहीं होगा। फिर देखो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, तो ये भी सेम नहीं है। 4 को 4 से गुणा करने पर 16 का 6 आएगा, 4 4 4 नहीं आ रहा। 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 का 5 आएगा, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 हंसल बची, 5 1 5 और 2 यहाँ पे तो 7 ही आएगा, लेकिन अपने को यहाँ पे कितना चाहिए, 9 चाहिए। फिर 6 को 6 से गुणा करो, 36 का 6 आ रहा है, ये भी ठीक है। यदि यहाँ पे 6 माने तो 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 का 6 हंसल आई, 3 6 कम 6 और 3 9 सही आ रहा है, तो ठीक है। तो 1 की जगह क्या आ गया, 6 आ गया। संख्याएं तो 1 से 9 तक ही माननी है आपको, उसी का गुणा भाग जोड़ घटाव करके देखते जाना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन देखो पांचवा क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन और देखो पांचवा दे रखा है कि ए को बी से गुणा करते हैं, ए बी को 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे सी ए बी आ जाता है, क्या आ जाता है, सी ए बी। कि 3 को किस से गुणा करें कि वही संख्या आ जाती है, 3 को किस से गुणा करें कि वही संख्या आ जाती है। अब देखो 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाती है, लेकिन अपने को तो यो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे चाहिए, तो 2 से गुणा करोगे तो 6, 3 को 3 से करोगे तो 9, 3 को 4 से करोगे तो 12 का 2 आएगा और 3 को 5 से करोगे तो 15 का 5 आएगा, 5 को करोगे तो 15 का 5 आएगा, और 6 से करोगे तो देखो आगे और आ रहा है या कुछ नहीं, 6 से करोगे तो 8 आएगा, 7 से करोगे तो 21 का 1 आएगा, 8 से करोगे तो 24 का 4 आएगा, 9 से करोगे तो 27 का 7 आएगा, ये तो सही नहीं है, फिर यही आ रहा है। पूरे 3 के पहाड़े में अपने देख लिया गुणा करके, मतलब 5 से गुणा करने पर 5 ही आ रहा है, तो ये तो हो गया बी का मान, तो क्या हो गया 5, 3 5 15 5 हंसल बची 1 और यहाँ पे 1 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, किसको किस से गुणा करें कि यहाँ पे भी वही आए, इसको किस से गुणा करें। अब ये देखो इस पूरे में आप गुणा तो अपने कर रखा है, आपको ये देखना है कि किस में 1 ऐड होने पर वही हो जाएगा, कि 3 7 है 21, 3 6 18 और 1 19 आ जाएगा, 3 4 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ोगे तो 3 3 9 10 और 3 2 6 से 7 हो जाएगा। इससे आगे वाले देखो आप,
तीन छिके 18 में एक जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, 6 बनना चाहिए, 3 सात 21 का 22 हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा 25, और 3 में 27 का क्या हो जाएगा 28। तो इसमें ऐड होने पर वही संख्या बननी चाहिए। तो देखो 5 के लिए फिर ऐड होने पर वो संख्या नहीं बन रही, नहीं बन रही ना, अपने सभी में जोड़ जोड़ के देख लिया, वापिस ए आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब फिर बी की जगह और क्या हो सकता है, 5 तो हो नहीं सकता, 5 के अलावा और इस पाड़े में कोई है नहीं, और इस पाड़े में कोई संख्या नहीं है जिसे गुणा करने पर वही संख्या आए। अब बी की जगह क्या बचा, अब यदि अपने बी की जगह 0 माने, ए बी गुणा 3, अब फिर 0 ही बचा, अपने पूरा पाड़ा लिख रखा है, बस वही सेम क्या थी, 5 ही थी, और 5 रखने पर फिर ए का मान नहीं आ रहा। अब यदि इसको 0 मानोगे तो 3 को 0 से गुणा करने पर 0, अब 3 को किस से गुणा करेगी, वही सेम आ जाए, अब फिर वो एक और कौन है, 5 है, 3 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो फिर और कुछ मिल नहीं रहा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सोच विचार के आपको हल करना है। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है 8वां, क्या क्वेश्चन दे रखा है 8वां दे रखा है कि ए बी, ए एक और एक बी, इनको जोड़ने पर क्या बन जाता है, बी 0, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 कब आएगा, जब 9 और 1 10 होंगे, 10 की 0 आएगी, एक हंस लाएगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो कह रहा है 9 आने चाहिए, बी का मान आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 कब आएगा, जब एक की जगह क्या होगा, एक और दो तो हो ही गए, एक हंसल और एक दो, और एक की जगह फिर क्या बच गया, 7 बच गया, 7 और 1 8 और 1 9, 7 और 1 8 9, बस थोड़ा सा सोचने विचारने पर सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखो, 6 ए बी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए 0 9, ए 0 9, अब 9 बनना चाहिए, 9 तो बहुत मतलब बनता है, 5 4 9 बनते हैं, 6 3 9 7 2 9 मतलब बनते हैं, अपने कुछ भी एक बार मान लो, आप मानो उससे मानने से पहले ये क्या कह रहा है, इसको देखो, ये कह रहा है कि इसको इसमें जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 कब होगी, जब 8 और 2 10 होंगे, तो इसका मान 8 मानो तो बी का मान क्या आ गया, 1 आ गया, 8 और 1 9, और यहाँ पे भी 8 माने तो 8 2 10 1 हंसल, ये क्या बन गया, 6 7 और 1 का मान ए आ रहा है ना यहाँ पे, तो फिर अपना मानना हुआ क्या हो गया, सही हो गया। आगे पीछे वालों को थोड़ा सा देखते हुए एडजस्ट करते हुए आपको मानने हैं, और संख्याओं का, संख्याएं हेर फेर करना है, कितनी संख्याओं का, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ही बस, तो ये क्या है, संख्याओं के साथ खेल है, संख्याओं का योड़ और गुणा है, इस प्रकार आपको करना है। तो ये आपकी जो प्रश्नावली से 16.1 ये पूरी हुई, धन्यवाद।